सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आज का हर पल कीमती है, तो प्लीज इसे झगड़ा करके मत गवाओ, आओ मस्ती में झूम जाओ। तो लेट्स डांस विद डीजे डॉली, कम ऑन एवरीवन। प्लान सक्सेसफुल रहा। हमारी खुफिया पार्टी, अरे ये पोपट लाल ने दरवाजा बंद क्यों रखा है? अरे भाई रूठा हुआ है ना। अरे पोपट लाल जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि हम जल्दी से जल्दी बोतल खोल सके। अरे जल्दी करो भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं खुलेगा दरवाजा। ये अभी तक एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? एक्टिंग बंद कर पोपट लाल। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं जेठालाल पर सच में गुस्सा हूं। मेरे घर पर कोई खुफिया पार्टी नहीं होगी। पार्टी कैंसल। अरे भोपटा, अरे अरे भाई, लेकिन तुम मुझ पे क्यों सच में गुस्सा हो? मैंने क्या किया है? हमारा तो प्लान था ना झगड़ा करने का। भोपटलाल क्या किया, क्या किया? झगड़ा करना था तो पैर पर पैर मार देते, हल्का सा धक्का मार देते, सीधा मुंह पर कोल्ड ड्रिंक। अरे भाई मैं तो तुम्हारे छाते पे कोल्ड ड्रिंक डालने वाला था, लेकिन वो धक्का लगा तो गलती से छाते की जगह तुम्हारे माथे पे पड़ गया। पोपटलाल वो सब मैं कुछ नहीं जानता। पता है सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई? मेरे घर पर कोई खुफिया पार्टी नहीं होगी, पार्टी कैंसल। ओ यारो, पोपू एकदम सही कह रहा है। अगर इसका मन नहीं कर रहा है तो हम इसे फोर्स नहीं करते। इतनी बेइज्जती हुई थी इसकी वहां पार्टी में। पप्पू, तुझे शाटी वाली पार्टी नहीं करनी है ना, तो ना कर। चलो चलो जाना, चल जा, चलो चलो चलो। दरवाजा खोलो। अरे मेरे घर से मुझे ही बाहर निकाल रहे हो? ओ भाई, तुझे अपनी शाटी वाली पार्टी नहीं करनी है, इसलिए तुझे तेरे घर से बाहर निकाल दिया। अब तू एक काम कर, नीचे खुले में जाके पार्टी कर। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाकर खुले में पार्टी करता हूँ और आप सबके राज खोल देता हूँ। मैं सच में जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो पोपटलाल तुम? पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई, मान भी जाओ। कितने दिनों के बाद तुम्हारा पार्टी का प्रोग्राम बना है और तुम हो कि इसे भी बिगाड़ने पे तुले हुए हो। नहीं तक आए पोपटलाल, किसी को शक नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे मजा करते हैं और नीचे जाके डबल मजा करते हैं। हाँ पोपटलाल, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, अभी सोच लो। पोपटलाल क्या सोच रहे हो? ठीक है, शुरू करो खुफिया पार्टी, इजाजत है। पोपटलाल पोपटलाल भाई, सबके लिए ग्लास बनाओ फटाफट। क्या है तुम्हें, ग्लास बनाओ? मैं क्या बारटेंडर है? अरे यार भाई, दोस्तों का ग्लास बनाने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। अरे इससे तो उल्टा आपस में प्यार बढ़ता है। छोड़ो छोड़ो, मैं बनाता हूँ सबका ग्लास। ए छोटी भाई, तू बोतल तो ला जल्दी। हाँ अभी निकालता हूँ, वो सामने ही पड़ी हुई है बोतल। पहली बार मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम अपना समय ले आओ। सॉरी, सारी बॉटल्स एक साथ क्यों निकाली? एक एक करके निकालता ना भाई। अरे सॉरी, फुल नाइट हमको पार्टी करनी है। अरे भाई सब लिमिट में पीना, घर मेरा है, साफ सफाई मुझे ही करनी है। हाँ वो तो है। हाँ भाई हाँ, एक मिनट
इससे पहले कि हम लोग बॉटल खोले मैं जरा बालकनी में जाके एक नजर डाला हूँ नीचे की क्या चल रहा है। हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो देख लो। मामला ठीक है अब खुलेगी बोतल। तारक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बस यही देखने आया था अंजलि के पार्टी कैसी चल रही है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ पोपट भाई नीचे आने के लिए माने? बस हम लोग समझा ही रहे थोड़ा सा बाकी रह गया है बस मना के लेके आते हैं। हाँ एंजॉय करो तुम लोग एंजॉय करो। क्या एंजॉय एंजॉय घर में फ्रिज भी है डबल डोर। ओहो डबल डोर फ्रिज है पोपटलाल शादी से पहले दुल्हन के अलावा सब कुछ बसा लिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है दरअसल फ्रिज का दरवाजा जो है ना वो बीच में से टूट गया है इसलिए डबल डोर। अरे वाह सारी तैयारी हो गई क्या बात है। सोसाइटी कंपाउंड की पार्टी की क्या खबर है? अरे मस्त रहो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है नीचे तो सारे लोग डांस में मशगूल है मस्ती से डांस कर रहे हैं। हाँ तो चलो शुरू करो शुरू करो शुरू करो। दो मिनट रुको मैं फटाफट घर जाके आता हूँ। अरे भाई यहाँ पे बाथरूम है ना। अरे भाई जेठालाल क्या बोल रहे बाथरूम तो होगा ही ना। अरे मुझे बाथरूम नहीं जाना है थोड़ी देर पहले अचार और पापड़ का पेमेंट आया मुझे चेक से तो बस वही रख के आता हूँ फटाफट। अरे भिड़े कैसी बातें कर रहे हो इस वक्त घर जाने की मैं कुछ सेकंड्स के लिए बालकनी में गया तो मुझसे सवाल पूछ लिया तो तुम नीचे जाओगे तो सारे लोग पूछेंगे नहीं कि पोपटलाल माने कि नहीं क्या हुआ बाकी लोग कहाँ हैं क्या कर रहे हैं क्या जवाब दोगे और तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। हाँ वो भी है मुझे दे पाए मैं संभाल कर रखता हूँ ला रहो दे इकड़े सेफ है। क्या बात कही अय्यर भाई एक एक पल किमतम किमती है। सुधीर भाई तो क्या बोतल लाया है मुझे तो ये बोतल देख के ही कुछ एकदम हो गया जेठालाल घृणा ना अभी अभी कौन बाकी है? अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलिए दो माला चढ़ के थक गया हूँ। हाथी भाई हाथी भाई अय्यर भाई दरवाजा खोलो। जेठालाल क्या है यारो ओ मैं दरवाजा खोलता हूँ माल करते हैं। अरे आपको तो भूल ही गए चालू हो गई पार्टी आप ही का इंतजार कर रहे थे आपके बिना कैसे पार्टी कर सकते हाथी भाई। चलो अभी कोरम पूरा हो गया हाथी भाई आ गए अभी भाई भरो ग्लास भरो भाई। अरे वाह कोरम हाँ कोरम भी है कैरम भी है मतलब मौका भी है मौसम भी और दस्तूर भी शुरू करो। यार हमारी आज की ये खास शाटी वाली पार्टी हमारी प्यारी दोस्ती के नाम सही बात है हम सबकी एकता के नाम और हमारी प्यारी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी के नाम। चलो सब लोग तो आ गए अब कौन बाकी रह गया कौन है इस वक्त मैं देखता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ पोपटलाल कौन है क्या कर रहा है आप क्या हुआ भाई कौन है एक मिनट मैं देखता हूँ।
अरे जेठालाल बताओ तो सही कौन है? जेठालाल? अरे जेठालाल क्या हुआ क्या? अरे कौन है ये तो बताओ कौन है? कौन? अरे कुछ बोलो भाई, समझ में नहीं आ रहा कैसी भाषा में बोल रहे हैं ये। कौन, क्या बोल रहे हो तुम? बापूजी, अरे एक मिनट। हम लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? अरे हम लोगों ने अभी तक पी नहीं है, कोई गुनाह किया ही नहीं है, तुम कैसे पकड़े जाएंगे? सोचो। सही बात है। लेकिन ये सब तो छुपाना पड़ेगा ना। हाँ तो छुपाओ ना, इसको छुपाओ भाई। चुकिन 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 चुकिन। जल्दी जल्दी अंदर 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 पोपटलाल तुम रूठे हुए हो, तुम मुंह चढ़ा के बैठ जाओ, चाचा जी को लगना चाहिए तुम नाराज हो। कैसे बैठूं? ऐसे बैठूं। अरे भाई जैसा भी बैठना है बैठ, लेकिन रूठ के बैठ। तेरी शादी का फोटो एल्बम नहीं बनाना है भाई, बैठ या फिर से फेंकू कोल्ड ड्रिंक, फेंकू तेरे मुंह पे। नहीं, मैं ऐसे बैठता हूँ। अरे बस रूठना है, लेकिन ढंग से रूठना, क्योंकि चाचा जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए, भगवान रक्षा करना। सॉरी यार भाई, दरवाजे खोलिए। हर बार तुम मेरे को क्यों काम बोलते हो? तुमने मेरे को क्या पगार पे रखा है? मेहता साहब आप खोलिए। मैं कैसे खोल सकता हूँ जेठालाल, मैं कैसे खोल सकता हूँ? भिड़े तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी के होते हुए मैं दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? प्रोटोकॉल भी कोई चीज है कि नहीं? देखो भाई पोपटलाल, ये तुम्हारा घर है, कायदे से तुम्हें ही दरवाजा खोलना चाहिए। अरे हाथी भाई, मैं कैसे दरवाजा खोल सकता हूँ? मैं तो रूठा हुआ हूँ ना। ओ यारो, ना ही मैं रूठा हूँ, ना ही मैं सेक्रेटरी हूँ, और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं रोशन सिंह सोढ़ी हूँ, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। अच्छा, खोल 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 खोल। खोल। एक मिनट। अरे भाई तो रूठा हुआ नहीं लग रहा है, जरा ठीक से रूठ पाए। इसमें ऐसा लगता है तू टीवी देखने बैठा है। एक मिनट, बाजू बाजू। ये ठीक है अभी? ठीक है। आप खोलो। अरे भाई, अरे चाचा जी, अरे बेटा अपना चाचा जी आए हैं। अरे बापू जी, आप यहाँ क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, कब से घंटी बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा था? कब से घंटी बजा रहे थे? नहीं, एक ही बार घंटी बजी, वो हमने सुनी, और सुनते ही ये सोढ़ी दरवाजा खोलने आया। नहीं तेरी घंटी बदल या स्विच बदल, दोनों में से एक में प्रॉब्लम लगता है। हाँ हाँ, बराबर बराबर, रिपेयर करवा लेगा बापूजी। लेकिन बापूजी, आपने दो माला चढ़ के ऊपर आने की तकलीफ क्यों ली? सही बात है। अरे भाई, जिस वजह से तुम लोग ऊपर आए हो उसी वजह से मैं भी ऊपर आया हूँ। वाह वाह चाचा जी, ओ आओ जी, आओ बैठो जी बैठो। छोटी नहीं बापू जी, बैठने नहीं आए यहाँ? तो किस लिए आए चाचा जी? अरे भाई, मैं ये देखने आया हूँ कि डिब्बा मान गया कि अभी भी रूठा हुआ है। नहीं बापू जी, देखिए ना, अभी तक रूठा हुआ है। देखिए ये पोपटिया क्या ऐसे लड़कियों की तरह रूठ कर बैठ गया। चल भाई, चल नीचे पार्टी में चल। और हाँ, तेरे लिए एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ, तेरे लिए रिश्ता आया है। क्या? सच? हाँ, लड़की के माता पिता को मैंने तेरा नंबर दिया है, अभी उनका फोन आएगा, तो जरा उनसे प्यार से बात करना है, गुस्से में कोई उल्टा सीधा जवाब मत दे देना। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। वाह वाह पोपटलाल, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। लगता है आने वाला साल तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है।
आने वाले साल में अगर मेरी शादी तय हो गई ना तो मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को खुफिया पार्टी दूंगा। कौन सी पार्टी? खुफिया मतलब बाबूजी सरप्राइज, सरप्राइज पार्टी। वो पोपटलाल ये कहना चाहता है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी खुफिया जगह पे ले जाएगा और वहाँ सरप्राइज पार्टी देगा, यही कहना चाहते थे ना पोपटलाल? बिल्कुल बिल्कुल यही है। थैंक यू जनरल, थैंक यू। अरे भाई मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो, रिश्ता बापूजी लेकर आए, बापूजी को थैंक यू बोलो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो चलो अभी थैंक यू चलो सब लोग नीचे पार्टी में चलो। चलो आप सब चलो, मैं आता हूँ। सुधे मतलब पप्पू को लेके आता हूँ ना। लेकिन पोपट तो साथ ही आ रहा है ना। अब पप्पू अब मुंह नहीं धोना शॉवर से, मुंह उकमाल करता है यार। और मुंह पे कोल्ड ड्रिंक गिरी तो मुंह चिपचिपा हो गया होगा ना। हाँ। एक काम करते हैं बापूजी, आप जाइए, हम लोग पोपटलाल को लेके आते हैं। अंजलि भाभी इतनी देर हो गई, ये लोग आए ही नहीं अभी तक। वही तो मैं सोच रही, माधुरी भाभी चाचा जी इनको समझाने गए वो भी नहीं आए वापस। आप लोग खड़े क्या है, डांस कीजिए, पार्टी चल रही है, पार्टी। भाभी लेकिन ये लोग आए नहीं अभी तक। अरे बापू जी गए हैं ना समझाने के लिए, सबको लेकर आएंगे, चलिए जल्दी डांस कीजिए, डांस कीजिए, चलिए ना। ये क्या हो गया? लाइट गई है भाई। अरे वाह तो दिख रहा है। अरे दिख ही तो नहीं रहा है यार भाई। पोपटलाल बिल भरा था तुमने? अंधेरे में भी कॉमेडी। अब पप्पू और घर पर टॉर्च वाल रखी है कि नहीं? अरे टॉर्च है सोडी, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है। अरे कैसे आदमी है, बोलो। मोबाइल में बैलेंस नहीं, टॉर्च में बैटरी नहीं, घर में बीवी नहीं है। कौन बोला? कौन बोला? सेक्रेटरी। अरे भाई जरा नीचे जाके देख तो सही है, लाइट क्यों गई है? जेठालाल अंधेरे में कैसे जाओ, लाइट आ। अरे बापू जी कहाँ गए? उड़ गए। अरे चाचा जी कहाँ? लगता है नीचे चले गए होंगे। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, नीचे कैसे जा सकते हैं, अंधेरे में कैसे जाएंगे वो नीचे? बराबर है। नहीं नहीं मैं तो सब बापू जी का भरोसा नहीं, वो निडर है ना, वो जा सकते हैं। एक मिनट मैं जरा देख के आता हूँ। बापू जी अरे बापूजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ, वो जब तक जेठा भरा आते हैं हम पूरी तैयारी करके रखते हैं। मैंने यहाँ पर बॉटल रखी थी, वो किसने ली? सोडे मैंने ली थी बोतल। तो कहाँ गई बॉटल? मैंने कहा पता यार, तो बापूजी यहाँ है। नहीं तो कमाल है, कहाँ गए? सीढ़ियों पे भी नहीं है, मैं नीचे तक देख के आया और झांक के मैंने सोसाइटी कंपाउंड में भी देखा, वहां भी नहीं है। कमाल है। अच्छा तो फिर चाचा जी किधर गए? एक मिनट जेठालाल, कहीं चाचा जी बाथरूम में तो नहीं गए? हाँ हो सकता है, मैं देखता हूँ। कुछ सुनाई दे? मैं नहीं।
चाचा जी अद्धी बोतल नहीं, ये नहीं हो सकता। आता काय फरक पड़तो है बापू जी, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? जब जब सोचा होना है तब तब सोचो होता है, उसमें तू क्यों रोता है बबलू? बबलू 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 नहीं बाबूजी, मैं आपका जेठिया हूँ। जेठिया कल झूठे, तू बबलू ही है क्योंकि तेरा कोट ब्लू ब्लू है। ये बंटी, बंटी बबली को भी पिला। बबली नहीं बाबूजी, बबलू। हाँ जेठिया, जेठिया। अरे कलो नचो। अरे बैठना नहीं है, अरे सब लोग नाचो। नया साल आने वाला है 3015। 3015? अरे बाप रे, चाचा जी तो 1000 साल आगे चले गए। सोडी क्या लेके आया था भाई? ओ यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो चाचा जी रोज रोज पीने वालों में से नहीं है ना? अरे रोज रोज क्या सोटी, कभी नहीं पीने वालों में से है। हाँ मतलब वही, वो चाचा जी को आदत नहीं है ना, और आज चाचा जी अद्धी बोतल पूरी पी गए। 1000 साल वाला असर तो होगा ही। ए, 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 बबलू। अरे सब लोग बंद कमरे में क्या पार्टी कर रहे हो? चलो खुले में पार्टी करते हैं। सही बात है। अरे अरे सॉरी सॉरी, चलो खुले में चलते। एक मिनट प्लीज, म्यूजिक बंद कीजिए ना। थैंक यू। ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है अरे तुम सब लोग यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? अरे ऊपर डिब्बे के घर पे मस्त पार्टी चल रही है, वहाँ पे इतनी बड़ी बोतल थी उसमें मस्त शरबत था, मैं पी गया, बहुत मजा आया। अरे नचो नचो, 3015। भूखे पापा, ये क्या किया आपने? रोशन तने शर्म नहीं आती? अपने साथ साथ चाचा जी को भी बिगाड़ दिया। आज के बाद घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। और आप खुद को एक अमवे सेक्रेटरी और शिक्षक कहलाते हैं ना, और ऐसे सब प्रोग्राम बनाते, निर्लज्ज बेशिस्ता। आज के बाद घर में क्या, इस सोसाइटी में भी कदम नहीं रख सकते आप। और अय्यर भाई, ये सब बताने के लिए बबीता जी को फोन करो। करो करो।
ऐसा मत करना प्लीज। हंस यू आर होपलेस। आज के बाद तुम्हारा खाना बंद एंड दैट्स फाइनल। नहीं नहीं। और तारक हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अब देखिए ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बना के दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और वैसे भी आप लोगों को ये कड़वी शराब पसंद है ना, तो मैं रोज आपको कड़वा काढ़ा पिला पिला कर आपकी जिंदगी कड़वी कर दूंगी। अंजलि अब आपको सुधारने के लिए मुझे अहमदाबाद से मेरी माँ को और सुंदर वीरा को फोन करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। अरे सब खुले में चलो। अरे छोड़। नहीं 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 जेठालाल बिल्कुल मत छोड़। भिड़े दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। जेठालाल छोड़ दे मत। इस हालत में हम चाचा जी को किसी भी हालत में नीचे नहीं जाने दे सकते। इस हालत में अगर हमारी बीवियों ने इन्हें देख लिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ मैंने तो अभी देखा भी। देखा भी मतलब मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य आ गया कि अगर बापूजी इस हालत में नीचे जाते तो क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अब तो एक ही रास्ता है। क्या क्या भाई अब तो जब तक चाचा जी का नशा नहीं उतरता तब तक उनको यहीं रोक कर रखना पड़ेगा। सोचे बापूजी का नशा कब तक उतरेगा भाई। यार जेठाबरा चाचा जी अद्धी बोतल गटक गया तो मैनू नहीं लगता कल दोपहर तक उनका नशा उतरेगा। मैं बापू जी को इस हालत में कल दोपहर तक नहीं देख सकता। आती भाई कुछ कीजिए प्लीज। आती भाई कोई ऐसी दवाई है जिससे चाचा जी का नशा तुरंत उतर जाए। तुरंत नशा उतर जाए ऐसी कोई दवा है ही नहीं। कोई ऐसी दवा होती तो मेरी तो मौज हो जाती और मैं रोज चाटी वाली पार्टी करके आता और डोरबेल बजाने से पहले ये वाली दवाई खाता और मेरा सारा नशा उठ जाता। रोशन भी खुश और मैं भी खुश। क्या हालत हो गई है मेरे बापूजी की। भजन गाने वाले बापूजी गजल गा रहे हैं। नहीं जेठा ये गजल नहीं है ये गीत है। मेरा फोन बज रहा है। हेलो जी 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 मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। जी जी मेरी ही शादी की बात की थी चंपक चाचा ने। ए चंपू ये चाचा चंपक कौन है। अरे जेठालाल चाचा जी को संभालो प्लीज। मेहता साहब ये क्या बापूजी अपना नाम भी बोल गए। कहीं उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई। नहीं नहीं जेठालाल चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुबह जब चाचा जी का नशा उतरेगा तो याददाश्त भी लौट आएगी। हाँ आती भाई। हाँ आ जाएगी आ जाएगी। कमाल करते हो तुम जेठालाल। क्या आती भाई जब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि चाचा जी का नशा जब उतरेगा तब याददाश्त वापस लौट आएगी फिर भी तुम डॉक्टर हाथी से वापस पूछ रहे हो उनसे कंफर्म कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात पे कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हाथी भाई डॉक्टर है ना पढ़े लिखे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जेठालाल कि मैं अनपढ़ हूँ। अरे भाई उन्होंने तो सिर्फ किताबें पढ़ी है मैंने तो किताबें लिखी है। आपने मेडिकल साइंस की किताबें लिखी है। पर्सनल मत होइए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं किसी आप लोग समझो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या बहस छेड़ दी आप लोगों ने। इतनी मुश्किल से चाचा जी ने मेरे रिश्ते की। चाचा जी बाबूजी फोन दे दीजिए। अरे अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो। पकड़ा पकड़ा पकड़ा। हेलो अरे आपकी बेटी क्या मैंने जो पोपट से शादी करवा रहा है। अरे पोपट पहले से ही किसी और से प्यार करता है। किससे? अरे अपने छाते से। अरे वो आपकी बेटी से ज्यादा अपने छाते से प्यार करेगा। अरे एक नंबर का कंजूस है कंजूस। अभी फोन ले लो और आपकी बेटी की शादी कहीं और कर दो। हेलो चंपू। अरे चाचा जी मेरा फोन। हेलो हेलो चालू है। अरे ये क्या कर दिया आपने। मैं लुट गया बर्बाद हो गया। इतने दिनों बाद एक रिश्ता आया था। क्या करे क्या करे आप। दो मिनट का मौन रखते और क्या। जेठालाल अरे भाई तो तेरे शादी की बात छोड़ना। अभी बापूजी का नशा कैसे उतारे उसके बारे में सोचो भाइयों। सही बात है। पानी चाचा जी पर पानी मारो। पानी 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 खाली ठेला नीचे रख नीचे रख। पानी पेट बात याद आ रही है जी इरशाद। पानी की एक बात
कह गया है एक ज्ञानी नहीं कह गया है नहीं कह रहा है एक ज्ञानी हाँ कह रहे हैं ज्ञानी कि सांप का कांटा ध्यान से सुनिए जी वो कर रहा सांप का कांटा न मंगे पानी अरे पोपटलाल तुम क्या बैठे हो ऐसे जाओ पानी लेके आओ ना वो छिटक रहा है ना पानी पोपटलाल जल्दी पानी लेकर आओ अरे भाई बाल्टी में क्या पानी लेके आए हो बापू जी को नहाना थोड़ी है मुंह पे थोड़ा पानी छिड़कना है अरे भाई जो तैयार था वो मैं लेके आ गया ठीक है तो चलो पानी मारो पानी मारो खबरदार जब किसी ने मुझ पे पानी मारा था तो कोई पानी नहीं मारेगा कोई पानी नहीं मारेगा नहीं नहीं बापू जी नहीं अगर कोई पानी मारेगा तो मैं खुद मारूंगा हाँ खुद बापू जी मारेंगे पानी अपने मुंह पे खुद मारेंगे ठीक पानी पेश किया जाए पेश है पेश है इधर पेश ही होगा पूजा बिल्कुल पानी पड़ल नहीं था हलू चाचा जी संभाल के बाबूजी संभाल के चाचा जी चाचा जी हाँ छोड़ो छोड़ो अरे संभाल के बाबूजी थोड़ा सा ऐसा छींटा मार लीजिए हल्का सा थोड़ा बस अरे बाजी नहीं उठा रही है सुनिए ये ऐसे मारना है इसको हाथ से बकेट में डाल के ऐसे 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 चाचा जी ये क्या कर दिया वो आप अच्छा पापड़ का पेमेंट लेके आए हाँ लाया हूँ ना थैंक यू लेकिन देखो इस बार खोना नहीं अगर इस बार मिसप्लेस हो गया तो तीसरी बार चेक नहीं दूंगा समझो आपका पेमेंट गया नहीं चाचा जी इसमें मेरा चेक था ये देखिए चेक पूरा गीला हो गया जेठालाल सांभाळ आपल्या वडिलांना सांभाळ काय चाललंय मेरा चेक फाड़ दिया उन्होंने मैंने बोला था भाई मुझे दे दे मैं संभाल कर रखता हूँ तूने मुझे दिया नहीं अगर दिया होता तो आज तेरा चेक जिंदा होता ना मुझे कुछ नहीं सुना मुझे मेरा चेक वापस चाहिए जेठालाल ये भिड़े तू क्या चेक चेक कर रहा है यहाँ पर चाचा जी ने मेरी शादी फाड़ दी शादी तोड़ दी जेठालाल मैं संभालो चाचा जी को मेरा पूरा घर पानी पानी कर दिया कितना गंदा हो गया घर ये कौन साफ करेगा ये सब घर में कोई लेडीज भी नहीं है समझा के वापस लाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया डोंट वरी आंटी दादाजी गए ना सब लोग आते ही होंगे हाँ, आज की रात तो बस हमें बच्चा ही बच्चा करना है हाँ, हाँ, डिस्को गरबा करके हम बच जाएगा हाँ, डिस्को गरबा डिस्को गरबा डिस्को डिस्को गरबा डिस्को गरबा डिस्को गरबा फ्रेंड्स दया भाभी ने अपना अनोखा डिस्को गरबा डांस शुरू कर दिया है चलिए सब दया भाभी के साथ करेंगे अब डिस्को गरबा डांस कम ऑन एवरीवन अरे देखिए ना बेटा साहब चाचा जी ने मेरी शादी तोड़ दी ओ पटला तुम्हारी शादी तो टूटी रहती है भाई तुम्हें आदत है मेरा चेक फटता नहीं रहता यहाँ पे पहली बार मेरी आंखों के सामने किसी ने मेरा चेक फाड़ा है फटा है 2015 में 7500 का नुकसान हो गया भाई तुम लोग क्या शादी चेक कर रहे हो यहाँ बापू जी का नशा कैसे उतारा है उसके बारे में सोचो वरना हम सबकी शादियाँ टूट जाएगी
सही बात है सेठालाल, अगर हमारी बीवियों को ये बात पता चल गई ना तो हमें जिंदगी भर माफ नहीं करने वाली है। माधवी ने कहा था कि आज वो डांस फ्लोर पे आग लगाने वाली है। जलना नहीं मिते आगी, आज इस पति के होने वाली है दुर्गति। भागदौड़ में तुमसे चाबी गिर गई होगी और चाचा जी के हाथ लग गई होगी। वो चाबी ले ले भाई, वरना कहीं वो चाबी ना फाड़ डाले। आत्मा ना की बोल रहे हैं पिडू? मैं ले लेता हूँ। बापूजी चाबी दे दीजिए प्लीज। अरे बबलू सर, चाबी दे दूंगा तो गाड़ी चालू कैसे होंगे? बराबर है, वो भी है। कोई गल नहीं जेठापरा, चाचा जी को खेलने दो, बाद में चाबी ले लेंगे। सॉरी हाँ सोडी, इट्स ओके। पपीता का फोन। जेठालाल चाचा जी तो चुप करो, पपीता का फोन आया। नहीं करो सकता, चुप कैसे कराऊं भाई? अरे यार तुम एक काम करो, तुम बालकनी में जाके बबीता जी से बात करो, वरना वो ये सब शोर शराबा सुन लेगी। प्लीज कैसे चल रही है पार्टी? पार्टी एकदम मस्त चल रही है। लवली, दया भाभी, कोमल भाभी कोई है वहाँ पे? फोन दो ना प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बबीता, मैं अभी घर पर आया हूँ पीने के लिए। पीने के लिए? ले ले ले, घर में पानी पीने के लिए आया हूँ। कितना टाइम? देखो बबीता, मेरे को तब लोग नीचे बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करता है। ओके ओके ओके, अच्छा सुनो, मुझे पार्टी के अपडेट्स देते रहना, ओके? और हाँ, पिक्स भेजना मत भूलना। हाँ पक्का पक्का भेजता है, पक्का। हाँ ओके बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। इरफान, पोपट भाई मान गए कि नहीं? हाँ। नहीं हुआ क्या कोमल भाभी? पोपट लाल थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग उसको समझा के नीचे ले कर आते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सपोर्ट। बबलू रास्ता मस्त है, एक्सप्रेस वे है ना बापूजी? वाह, नाउ देयर इज नो वे। अरे सब लोग हमको नीचे बुला रहे हैं, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। आप सब लोग जाइए, मैं बापू जी को ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। नहीं नहीं जेठालाल, तुम्हें छोड़ के मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। हम भी नहीं जाएंगे भाई। सही बात है, कोई भी नहीं जाएगा भाई। नहीं नहीं, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के हम भी तो नीचे नहीं जा सकते ना। करेक्ट, मुझे तो बापू जी की ऐसी हालत देख के अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने तो बहुत ही देर लगा दी, शायद पोपटलाल भाई मान नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है चाचा जी के बोलने पे भी नहीं मान रहे होंगे। लगता तो ऐसा ही कुछ है कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है। तो चलो ना, हम सब लोग पोपट भाई के घर जाते हैं। दया भाभी एक मिनट, आप तीन जाके आओ, हम यहीं पे वेट करते हैं। हाँ। चलो पहले आप जाइए अभी। जल्दी आना, आप मत रुक जाना फिर। इन लोगों ने तो बहुत ही देर लगा दी, शायद पोपटलाल भाई मान नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है चाचा जी के बोलने पे भी नहीं मान रहे होंगे। लगता तो ऐसा ही कुछ है कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है। तो चलो ना, हम सब लोग पोपट भाई के घर जाते हैं।
दया भाभी एक मिनट, आप तीन जाके आओ, हम यहीं पे वेट करते हैं। जल्दी आना, आप मत रुक जाना फिर। क्यों मैं सार्टी वाली पार्टी करने यहाँ आया? मेरी वजह से बापू जी की ऐसी हालत हुई है। मारिए बापू जी, मुझे मारिए, मारिए बापू जी, मुझे मारिए। मारिए बापू जी, और मारिए। बस बस बापू जी, बस मेरा अपने आप पर का गुस्सा उतर गया है, बस। थैंक यू। ये क्या हो गया है मेरे बापू जी को मेहता साहब? यही होता है जेठालाल, नशे में यही होता है। आदमी जब ज्यादा पी लेता है ना, तो कोई होशो आवास नहीं रहते, पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ बैठा है। ओ हाँ जी, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। पोपटलाल, अभी कौन आया? अरे मुझे क्या पता? मुझे क्या पता का क्या मालूम? तुम्हारा घर तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, बार बार लोग आ रहे हैं, घंटी बजा रहे, कौन आया? अरे भाई मैं तो घर के अंदर हूँ ना, घर के बाहर खड़े रहकर कौन बेल बजा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? पर अभी तो शांति रखो पोपटलाल, आवाज बाहर चली जाएगी, क्या कर रहे हो तुम? इनको शांत करो। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मेरे बापूजी को शांत करने वाला तू कौन है? नहीं होंगे मेरे बापूजी शांत। अरे ये बहस करना बंद करो, पहले दरवाजा खोलो, वरना बाहर जो भी है दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। और मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है जो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए? और मैं उन्हें छड़ाऊंगा नहीं, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ देखो, हाँ ऐसा कौन है बार जिसे सोडी डर गया? आप पता? कमाल है, मैं देख 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 देख। क्या बड़े? बाजू बाजू चेकला, बाजू बाजू, बाजू बाजू बाजू। अरे क्या हुआ, कौन आया है बताओ तो सही। माजी भाई को, याची भाई को, तुझी भाई को। काई को? कौन विचार? मर गए, मर गए। बाहर रोशन भाभी, माधवी भाभी और दया आए हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी दरवाजा खोल देते हैं, हम अपने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और अपने आप को बीवी के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, गुनाह कैसे कबूल कर सकते हैं जेठालाल? तो क्या कर रहे हैं? एक मिनट पोपटलाल, अगर चाचा जी को इस हालत में देख लिया किसी ने भी, तो हमें सजा है, काला पानी हो जाएगी। तुम चाचा जी को जल्दी से बेडरूम में लेके जाओ, जल्दी। अरे तुम मार रहा हो भाई, क्या चाचा जी, चाचा जी आइए जरा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवा लेते हैं। हाईवे से साइड में लो जरा, हाईवे से साइड में लो। एक मिनट बाबू, मैं देखता हूँ, डरने की क्या बात है, देखता हूँ। कम इन। अरे हाँ, अरे माधवी भाभी, रोशन भाभी, दया भाभी, आप लोग आइए 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 आइए। आप लोग इस वक्त पार्टी छोड़ के यहाँ? अरे हम कब से बाहर खड़े हैं, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? नहीं खोलो ना, अभी खोलो ना। हाँ तभी तो आप लोग अंदर आए। काय झालं, काही गडबड है का? गडबड? कैसी गडबड़?
माधवी भाभी तुम्हाला विचारते, तुम्ही मला कशाला विचारते? नाही नाही माधवी, कोई गडबड नाही आहे, हम सज्जन है, हम सब जन है यहाँ पे, कुछ कोई गड़बड़ नहीं है। पोपट भाई कहाँ गया? उनका गुस्सा उतरा कि नहीं? उतर गया। वो जरा बाथरूम में फ्रेश होने गए, मुंह धोने गए। आप लोग जाओ, हम लोग उसे लेके आते। हाँ, हाँ, भले, okay. भले। बापूजी कहाँ है? वो आए थे ना पोपट भाई को समझाने। हाँ ऊपर आए थे बापूजी और अभी नीचे चले गए। ये पोपट भाई चिल्लाए ना? हाँ शायद। शायद? अरे शायद क्या मेहता साहब, पोपट लाली तो है अंदर। पर क्यों चिल्लाए क्यों? भाई हम भी आप लोगों के सामने यही खड़े हैं और पोपट लाल अंदर से चिल्लाया, तो यहाँ खड़ा खड़ा कैसे पता चलेगा कि वो क्यों चिल्लाया? वो बाहर आएगा और हमको बताएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग जाइए नीचे, हम लोग उसे लेके आते ही है। ठीक है, पर जल्दी है ना, जल्दी आओ, लौकर है जरा। ओ लौकर है तो जा जा, बराबर बात भी। कब से सोच रही है, हाल क्यों नहीं हुआ? वही होगा, कब से ये पोपट लाल, ये आगल आदमी, ये यार कैसा आदमी, ये मरवाएगा यार, ये लारा, ये पोपू पोपू पोपू, ओ क्या कर रहा है तू? तेरे में कोई चक्कल वक्कल है कि नहीं, इतनी जोरों के चिल्ला रहा है? ओ बाहर दिया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी। रोशन भाभी? ओ तेरी तो भाभी है ना, तुझे पता है वो लोग बाहर खड़े हैं फिर भी ऐसे चिल्ला रहा है? अरे भाई मुझे पता है कि वो लोग बाहर खड़े थे, लेकिन यहाँ चाचा जी चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे थे। हाँ तो मैंने उनकी आवाज दबाने के लिए अपना हाथ उनके मुंह पर रखा तो उन्होंने मुझे काट लिया। ये देखो, मैं चिल्लाता नहीं तो क्या मैं भी उनकी तरह गाना गाता? वो चिल्लाता पर दूसरा हाथ तो फ्री था ना, उसको मुंह पे रख के चिल्लाता, कम से कम तेरी चीख साउंड प्रूफ तो हो जाती। चाचा जी को नींद की गोली खिला देते हैं तो उन्हें और हमें दोनों को आराम हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर हाथी, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया, यही करते हैं। हाँ लेकिन डॉक्टर हाथी, ये आइडिया तुमको पहले देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं दिया? अरे अय्यर भाई कमाल की बात करते हैं, जब दिमाग में आइडिया आएगा तभी तो दूंगा ना। हाँ अभी आया तो दे दिया। नहीं बराबर है, बराबर है, अच्छा अच्छा आइडिया है, थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? नींद की गोली मेरे घर पे है और मेरे घर से उसे यहाँ तक लाएंगे कैसे? मेरे घर पे नींद की गोली है? अरे वाह, अरे तो पोपटलाल पहले बोलना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बोला? अरे अय्यर भाई मुझे भी अभी याद आया कि मेरे घर पे नींद की गोली है, जैसे ही याद आया मैंने बता दिया। हाँ पोपटलाल, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नींद की गोली घर पे नहीं रख सकते, ये गलत बात है, तुमने कैसे रखी है? अरे हाथी भाई एक बार आपने ही दी थी मुझे, भूल गए? मैं बीमार था और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आप ही ने दी थी और कहा था कि भाई जरूरत पड़े तो खा लेना, जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं खाई, तब से रखी है। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, अभी दे दो प्लीज, ला के दे दो बापूजी को। गोली गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम, जाओ लेके आओ जल्दी जल्दी। हाँ चाचा जी अपना मुंह खोलिए। क्या
इससे आपका मुंह मीठा कराना है। ये मिठाई है, नया साल आ रहा है ना, तो इससे आपका मुंह मीठा कराना है। देखिए आ कीजिए और ऐसे खा लीजिए। आ आ नहीं आ चाचा जी ने मुझे गोली खिला दी। अरे अरे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए हाथी भाई, गोली बाहर निकलिए। कैसे निकाल लूं? बाबू हाथी भाई के पीठ पे जोड़ के धोल मार, गोली बाहर निकल जाएगी। चल चल चल। अरे सोडी हाथी भाई की पीठ इतनी बड़ी है कि समझ में नहीं आएगा कहाँ धोल मारे। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके हाथी भाई की पीठ का अलग अलग एरिया पकड़ लेते हैं और उसमें धोल मारते, कहीं ना कहीं से तो गोली बाहर ही जाएगी। चलो 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 हाथी भाई झुकी है, जरा झुकी है। अरे झुका हुआ हूँ भाई। हाथी भाई गोली आई नहीं। अरे ये सफेद सफेद क्या है? अरे दांत है भाई। अरे एक मिनट, चाचा जी कहाँ गए? अरे कहीं नीचे तो नहीं चले गए? नहीं दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे तू फिर कहाँ गए? सोफे के पीछे भी नहीं है। अरे एक काम करते हैं, मैं और अय्यर किचन में ढूंढते हैं। जाओ जाओ जाओ। तू और मैं फिर से एक बार बेडरूम में चेक कर लेते हैं कि बेड के नीचे ना हो। चल 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 भाई चल। आप लोग अलमारी में देख लेते हैं। अलमारी में बापूजी कैसे हो सकते हैं? क्या जेठालाल, नशे में कुछ भी हो सकता है। नशे में आदमी को पता नहीं चलता वो कहाँ है किधर, मतलब अलमारी में कहीं भी हो सकता है। नहीं है। नहीं ड्रॉवर में, सॉरी वो स्लिप ऑफ। मैं भी ढूंढता हूँ। चाचा जी, ओ चाचा जी कहाँ हो आप? चाचा जी, अरे चाचा जी तो किचन में भी नहीं है। तो कहाँ गए? मैं सर बाथरूम में देखता हूँ। चाचा जी, चाचा जी, अरे बाथरूम में भी नहीं है। वो अभी किधर ढूंढे उनको चाचा जी? बापू जी, अरे आता कहीं नवीन? चल चल चल, बापू जी। मैं घूमने जा रहा हूँ बबलू। अरे बाय बाय, तुझे ना तो सुबह हैप्पी न्यू ईयर। बाबूजी रुकिया मैं आता हूँ। जेठालाल जेठालाल, तुम्हारे वजन से पाइप टूट जाएगा, तुम यही रहो। अरे क्या करो बाबू? अरे नहीं बाबू, जब से बापूजी पोपट भाई के घर गए हैं तब से यहाँ पर
बापूजी। बापूजी हमको सरप्राइज देना चाहते हैं, हम सबको सरप्राइज। बोल रहे थे कि नया साल है तो सबको आइसक्रीम खिलाएंगे, तो वो सबके लिए आइसक्रीम लेने गए हैं। तो अकेला आदमी इतने सब लोगों के लिए आइसक्रीम कैसे ला पाएंगे, तो हम लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं ना जेठालाल। अच्छा तो टपू के पापा जल्दी जाइए, कहीं आइसक्रीम आने से पहले नया साल ना आ जाए। हां अरे इसीलिए तो जल्दी जा रहे थे। अरे चलो 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 ना हम चले। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इतनी देर में बापूजी कहाँ चले गए? हाँ, अब कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को? अरे, कौन है बाबा? तेरी, अरे मेरी जीप है, और जीप में मेरे बापूजी हैं। तूने गाड़ी चलाने आती है? बापूजी! चाचा जी तो रुक ही नहीं रहे, निकल गए तो। अरे भाई ऐसे दौड़ दौड़ के तो हम चाचा जी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अरे रिक्शा विक्शा देखते हैं। यहाँ से जीप गई, उसका पीछा करना है। नहीं भाई साहब, मेरा टैक्सी बंद करने का टाइम हो गया, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा है, मैं जा। अरे ऐसा मत बोलिए भाई साहब, मेरे बापू जी जीप चला रहे हैं। तो अरे वो सब मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। प्लीज प्लीज भाई साहब आप उतरिए, चाहिए तो मैं आपको दुगना तिगुना भाड़ा दे दूंगा। प्लीज आप कितना भी भाड़ा दे दो, मैं नहीं आऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। अरे अरे भाई साहब, अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, अगर अभी नहीं आओगे तो कल तुम्हारे बारे में मेरे अखबार में छाप दूंगा। अच्छा छापो छापो, जरूर छापो, और साथ में मेरी फोटो भी छापना ताकि मैं फेमस हो जाऊं। देखिए भाई साहब प्लीज चलिए, क्या है हमारे चाचा जी शराब पीकर जीप चला रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे यार भाई, शराब पी के नहीं, मतलब बापू जी ने शराब पी है लेकिन गलती से पी है, वो भी पहली बार। देखिए उनको अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर में अपने आप को और आपको माफ नहीं करूंगा। अच्छा वो ठीक है, पर दरअसल भाई साहब बात ये है कि आज मैंने ना वाइफ के साथ में 31st मनाने जाना है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। यार एक काम कर, गड्डी मैंने दे दे, मैं चला लूंगा, तू अपनी फैमिली के साथ जाके 31 दिसंबर फर्स्ट क्लास मना। ओ ऐसे कैसे देता, मैं आप लोगों किसी को जानता नहीं, ऐसे कैसे टैक्सी दे दूं मैं? ओ कमाल कर रहे यार, एक सदाजी हो के सदाजी से पहचान पूछ रहा, ओ वैसे केड़ा पिंड? ओ अंबरसर। ओ तेरे, ओ मैं भी अंबरसर यार, कमाल। अंबरसर किते? गोलहट्टी। ओ मैं गोलहट्टी दे नाल रामबाग पुतोली। रामबाग? ओ रामबाग तो मेरी बंतो मौसी रहती है। ओ बंतो मौसी? ओ जिन्हां दा नाम जोगिंदर कौर है, उन्हां दे दो बेटे ने महेंद्र पाल सिंह और अमरजीत सिंह होई। हां जी हां जी हां जी। ओ तेरे यार कमाल कर देता, अजी ते कट्टे स्कूल ही पढ़े हो। ओ जी ठीक है जी, गड्डी तुहाडी तुसी लै जाओ, कोई नहीं संभाल के लै जाओ बस। अरे थैंक यू यार, तेरा नंबर दे दे मैनू। MH02। ओए ए नंबर नहीं, ओ तेरा मोबाइल नंबर याद। 9820। ठीक है वीरे, और मैं तेनू फोन कर दांगा, और फोन करके फिर गड्डी पहुंचा दांगा। ओ ठीक है सर, चंगा भाई, सासी। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। चलो कर चलो कर चलो कर। हां बापू जी रुकिए।
जेठालाल ये क्या कर रहे हो? ऐसे चलती गाड़ी के बाहर मत निकलो, किसी को लग जाएगा। मतलब तुम्हें लग जाएगी, उसे बोलो ना अंदर आने के लिए। जेठालाल जेठालाल अंदर आ जाओ भाई, चोट लग सकती है, अंदर आ जाओ। पता नहीं कौन सी घड़ी में हम लोगों ने सार्टी वाली पार्टी करने का लक्की किया। बापू जी रुको, ले ले ले, बापू जी रुकिए। ब्रेक मार दी, आ तो पीछे ले, पीछे पीछे तो तू पीछे ले, 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 पीछे जीप चलानी आती है? चला तो रहे हैं। अरे चला रहे, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है यार भाई, लेकिन पहले कभी चलाते हुए देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, उनको जीप, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर सब चलाना आता है, गाँव में सब चलाते थे। बापू जी कहाँ गए? चाची जी तो आगे निकल गए। अरे तू क्यों स्लो चला रहा है भाई, भगा? ओ जेठा अपना बहुत भगा रहा हूँ, पर ये गड्डी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही है। ओ मैंने लगता है उसे स्पीड कैप लगा रखा है। फोन है भाई। बबीता जी कब? हाँ बोलिए बबीता जी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली अय्यर का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। पार्टी कैसे चल रही है आप लोगों की? पार्टी तो बहुत एकदम मजेदार जबरदस्त चल रही है, बस आपको सब लोग मिस कर रहे हैं। बट म्यूजिक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, बबीता जी का फोन बोल रही है, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है तो ऑन करना। कार में कहाँ टेबल, मैं तो साफ टेबल नहीं है तो कहाँ से ऑन करूँ यार। बहुत आवाज आ रही है, लगता है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। हेलो हेलो, मैं बाद में अय्यर भाई को बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए, ठीक है? ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके बबीता जी, हेलो हेलो हेलो, रख दिया लगता। हो गया हो गया, रख दिया रख। एक गुब्बा का कितने कर लिया? 25 रुपए का एक। बस 25 रुपए का एक, ठीक है सब दे लो। हाँ ला। ए, हे, हे। एपी लिया, एपी लिया। पैसे? और पीछे टैक्सी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। रुको 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 रुको। अरे क्या भाई बीच में क्यों आ रहे हो? अरे अभी जीप में जो चाचा जी गए ना, उन्होंने मेरे सारे फूके उड़ा दिए, और जब पैसे मांगे तो कहा कि पीछे गाड़ी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। आप में से बबलू भाई कौन है? ये बबलू भाई। कितना हुआ? 1000। 1000 रुपए? 40 फुके थे, 25 रुपए का एक, 1000 हो गए ना। एक मिनट जेठालाल, पैसे मत देना। 25 रुपए का एक गुब्बारा? अरे क्या भरा क्या गुब्बारे में? अरे भाई जो भी भरा हो छोड़ना अभी, बापू जी के ऊपर ऐसे हजारों गुब्बारे कुर्बान है भाई। ये ले भाई, ये ले, ये ले। चल चल चल, हैप्पी न्यू बबलू भाई। चल अबे हैप्पी न्यू ईयर। अबे आप फोन मत उठाना। अरे लेकिन बबीता जी का फोन नहीं है, दया का फोन है। मैं उठा। क्या उठा? उसने कुछ मुझे उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? तो मेरे मत उठा। आपने बोल दिया मत उठाओ,
बाद में मुझे पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया, तो क्या जवाब दूंगा? उठा तो वही तो कर रहा था। शांति रखो ना यार। हाँ बोल दया। टोपू के पापा, आपने आइसक्रीम ले ली? हाँ बस ले रहे हैं। अच्छा तो सुनिए, हम महिला मंडल है ना, उनके लिए आप राजभोग और केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम लेना, और टोपू से लेना है ना, उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेना, और बाकी सब लोगों के लिए आपको जो भी पसंद हो ना वो लेना। हाँ ठीक है, ओके चल। अच्छा सुनिए ना, आप कितनी देर में आएंगे? बापू जी के मिलते हैं भाई। बापूजी के पसंद की आइसक्रीम मिलते ही आ रहा हूँ मैं जल्दी। वैसे बापूजी को चीकू आइसक्रीम बहुत पसंद है, वही लाना। हाँ ठीक है। और जल्दी आना, मेरे सफेद बर्फ के गोले। सफेद बर्फ के गोले? माँ ने आपका नया नाम रखा है। तो फोन रख अभी। बच गया, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछा। अरे लेकिन जेठालाल, दया भाभी का फिर से फोन आ सकता है, तुम एक काम करो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। अरे क्या पोपटलाल, एक साथ सबके वो स्विच ऑफ करेंगे तो उनको शक हो जाएगा, सब हमें ढूंढने के लिए निकल जाएंगे बाहर। फिर चिंता हो सकती है, उन लोगों को चिंता हो सकती है। ये काम करते फोन को चालू रखते, चाचा जी को ढूंढते। बाबू जी कहीं नहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, आपने एक लाल टोपी वाले चाचा जी को जीप चलाते यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, अभी एक जीप किशोर गई। यार ये तो बहुत सुनसान रास्ता है, चाचा जी इतने कितने चले गए? अरे बाप रे, वो बेचारे होश में नहीं है ना, दिशाहीन हो गए, कहीं की गाड़ी चला रहे। सुनसान रास्ता है जेठालाल, अब गाड़ी गई कहाँ? बापू जी कहाँ गए? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हे भगवान, बापू जी को बचा लेना, उनको कुछ होने मत देना प्लीज। चाचा जी किस रास्ते पे निकल पड़े भाई? ये क्या, ये तो डेड एंड आ गया। हाँ आगे तो रास्ता ही बंद है। पर चाचा जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीप भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चाचा जी, चाचा जी है कहीं? बापू जी कहाँ चले गए? चाचा जी, हे भगवान, अब बापू जी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अरे खड़े क्यों नाचो, सब लोग नाचो, नया साल आने वाला है, 3015। बापू जी रुको, चाचा जी सॉरी सॉरी, बापू जी रुकिए, बापू जी क्या नाम है तेरा? रम, रम। रम पीकर बाइक चलाता है? तुझे पता नहीं शराब पीकर बाइक चलाना अपराध है? नहीं, मैंने बोला मेरा नाम रावण है। सुरवे, केस बनाओ, सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना, हमारे महान देश को ऐसे जाहिल लोग ही गंदा करते हैं। अरे क्या रे, ये जानते हो मैं कौन? इंस्पेक्टर। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तभी। तेरा हेलमेट किधर है? सब वो घर पे भूल गया था, वो लेने जा रहा हूँ। सुरवे दूसरा केस बनाओ, बिना हेलमेट की ड्राइविंग। अरे अब बोलो क्या पिया है? सब कुछ भी तो नहीं, वो दवा। ओ अभी दवा का दवा और दारू का दारू हो जाएगा। सुरवे। यस सर। सावन,
मशीन दे। ए, बुक मार। बुक मारता है कि सर बहुत पिया है। ओ, सुरवे, तीसरा केस बनाओ। अरे? ड्रिंक एंड ड्राइव का। ले जाओ इसे अंदर। एक मिनट साहब, मैं यहाँ का नेताजी का राइट हैंड हूँ। अच्छा, अभी आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ना मैं शराब पीने वाले से बात करता हूँ, ना उनके मालिक से। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आज अगर मेरे बाबूजी भी शराब पीकर गाड़ी चलाते तो उनको भी अंदर कर देता, भले ही जेल से छूटने के बाद मुझे दो चार डंडे मारते। ले जाओ इसको। ए, चले चल चल, एक बाइक के रे, चल चल जल्दी चल। साहब छोड़ दो ना। अरे चल 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 ले सोड़ी ले। हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। अरे आगे तो पुलिस की नाकाबंदी है। नेताजी उधर ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बापू जी शराब पी के जिम चला रहे, पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। बिना मतलब हमारी वजह से बापू जी को जेल आ जाएगी। जेठालाल, बिल्कुल चिंता मत करो, रो मत, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकार पोपटलाल आप लोगों के साथ हैं, मैं सिचुएशन संभालूंगा। बचा लो भगवान, बाबूजी को बचा लो। बाबूजी रुक जाओ, जेठालाल रुक जाओ बाबूजी। चाचा जी, आलू पांडे ने इंस्पेक्टर चालू पांडे बोलिए। ओके। आप जीप में? क्या? और आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है? क्या नहीं पहने? अरे वो बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट, वो बेल्ट। अरे इतना बड़ा बेल्ट तो पहने, वो भी सुनहरी, देखो। चाचा जी, पैंट का बेल्ट नहीं, सीट का बेल्ट। आपने सीट का बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट का बेल्ट मैं क्यों पहनूं? मैं और किसी का बेल्ट नहीं पहनता। चाचा जी, अब आप नीचे उतरिए। एक बुजुर्ग आदमी को नीचे उतरेगा? चाचा जी, अब इस हालत में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, उस बड़ी गाड़ी में बैठेंगे आप। मेरे को बड़ी गाड़ी में नहीं बैठना है। थैंक यू बेटा, मैं ये ठीक हूँ। चाचा जी, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? टिंग 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 टिंग। सुरवे। हाँ सर। चाचा जी ने बहुत पी रखी है, ना जुबान पर कंट्रोल है ना दिमाग पर। गा रहे हैं बच्चन साहब का गाना और डांस कर रहे हैं ऋतिक रोशन का। बराबर सर। इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चाचा जी, आपको हमको लॉकअप में डालना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं? क्यों, हद हो गई? चलो जी, पांडे जी। ए बबलू, आ गया मेरा बबलू। बबलू, अरे बबलू, बबलू आ गया। आओ जेठालाल आओ। ये तुम्हारे पिताजी है ना? जी। इन्होंने बहुत शराब पी रखी है। किसने पिया? चाचा जी, कौन है वो शराबी? ए भाई, तुम्हारे घर में माँ बाप भाई बहन चाचा चाची को नहीं है? सब है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। फिर भी पीते हो? अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? तुमने अपने परिवार के साथ धोखा किया है। आलू पांडे, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। नहीं नहीं, चलो जी, पांडे जी प्लीज, बापू जी को गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। क्या? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। सुरवे, मशीन लाना। यस सर।
अभी फूंक मारिए। नहीं 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 प्लीज चलो जी पांडे जी, बापू जी को इसमें फूंक मत मरवाइए। क्या फूंक मत मरवाइए? शराब पीकर गाड़ी चला रहे, फूंक नहीं मरवाऊंगा तो गिरफ्तार कैसे करूंगा? बात करते हैं, फूंक मारो चाचा जी। देखिए चालू जी, पांडे जी मैं मानता हूँ कि बापू जी ने शराब पी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं पी है, गलती से पी है। हाँ वो दरअसल हमने देखिए चालू जी, पांडे जी प्लीज आप बापू जी को गिरफ्तार मत कीजिए, आप जितना मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। जितना मांगूंगा उतना देने को तैयार हूँ? हाँ, हाँ। मतलब रिश्वत देता है चालू पांडे को? हाँ। नहीं रिश्वत नहीं, जमानत, जमानत की बात कर रहा था मैं, जमानत। अरे बापू जी तो कानून की बहुत इज्जत करते है, बचपन से उन्होंने हमको भी यही सीख दी है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए कभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। सीख तो बड़ी अच्छी दी है चाचा जी ने, पर खुद उसका पालन नहीं करते। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो कानून का बहुत पालन करते हैं, और असल में आज भी जो आप देख रहे हैं ना नशे में, ये जब चाचा जी पी रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस चीज को पी रहे वो शराब है। अच्छा तेरे, हाँ हाँ। अरे भाई शराब पिए उसके लिए गिरफ्तार नहीं कर रहे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब बनाता है, जाकर पहले उस कांच वाले को गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल बनाता है, जाओ जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल का ढक्कन बनाता है, समझा? ढक्कन ढक्कन नहीं, मुझे मुझे कह रहे हैं ढक्कन, मुझे कह रहे हैं वो। चाचा जी पोपड़लाल को भी हमेशा डिब्बा ऐसा कहते हैं। मुझे 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 डिब्बा बोलते हैं वो, कभी ऐसे बोलते हैं डिब्बे। और आत्माराम को भी भिंडी मांजर कहते हैं। इंस्पेक्टर पांडे जी माफ करा, चुकी झाली। सबके लिए एक समान है, चाहे वो फिर वो छोटा गुनाह करने वाला हो या बड़ा गुनाह करने वाला, चाहे वो जान कर किया हो या अनजाने में। सुरवे चाचा जी को गिरफ्तार करो। नहीं नहीं देखिए देखिए चलो जी पांडे जी, जेठालाल एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मायसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाचा जी को आप जाने दीजिए, ये शरीफ और नेक इंसान है। ओ गोल्डन क्रो, अब एक शब्द भी आगे बोला ना तो चाचा जी के साथ तुमको भी अंदर डालूंगा। चल। नहीं 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 नहीं। I got it. It's okay. It's okay. Okay. नहीं नहीं मान रहे। सुरे खड़े क्यों? डालो चाचा जी को अंदर। मुझे पकड़ सकते तो पकड़ लो। अरे चाचा बाय बाय। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निकाल 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 जेठालाल। अरे कैसे चिंता ना करूं मैं चाचा साहब। हाँ बात सही है, लेकिन मिल जाएंगे चाचा जी, मिल जाएंगे। अरे दया का फिर से फोन उठाओ। क्या उठा लो? उससे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ ले, क्या जवाब दूंगा? तो मत उठाओ। अरे क्या माता साहब, उठाना तो पड़ेगा ना, तो उठाओ। हाँ बोल दया। हाँ हाँ चप्पू के पापा कहाँ हो? आइसक्रीम लेने में कितनी देर? दया वो क्या कि वो आज पता नहीं सब लोग टूट पड़े आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो यहाँ बहुत गिरदी है, थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ बहुत भीड़ है, आ जाओ वापस आ जाओ। हेलो हेलो टप्पू के पापा, 11:30 बज गए हैं,
पक्का आइसक्रीम नहीं चाहिए? हाँ, पक्का नहीं चाहिए आइसक्रीम। टप्पू के पापा आधे घंटे के बाद नया साल आ जाएगा और आपके बगैर नया साल मनाने का मजा नहीं आएगा। बस अब सब लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है ठीक है, तो हम 12 बजने से पहले सब लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी आना ना। ओके। क्या कहा? वो लोग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं वो लोग, मैंने कहा उनको। चलो बोलो, बोल तो दिया 12 बजे से पहले हम सब पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? बापूजी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कमाल है, साल के आखिरी दिन में ये हाल है, पता नहीं नए साल की शुरुआत कैसे होने वाली है। चुप चुप बोलो भाई, चुप चुप बोलो। अरे पर चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी, वो रे चाचा जी, मिल गए मिल गए। पका सुनी तेरी। चाचा जी तो अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं यार। अरे जा रहे क्या? वो तो सोसाइटी में घुस गए। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोको। अरे दादाजी, अरे सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो, नाचो। चाचा जी स्टेज पे, चाचा जी। अरे अरे भाई म्यूजिक चालू करो ने। अरे अरे कौन चालू कर रहा है दादाजी? शांति। अरे नया साल आने वाला है, 3015 मेलो लगता है हमारा भंडा फोड़ने वाले। अरे भिड़े फोड़ने वाले क्या है, जिस तरह स्टेज पे खड़े देखो लगता है भंडा फोड़ दिया है। अरे अरे भाई म्यूजिक चालू करो ने। लगता है खुफिया पार्टी की वजह से हमारा आने वाला साल ही नहीं, हमारा ये बहू भी बिगड़ने वाला है। बहू? बहू नहीं, भाव भाव, ये जन्म। जैसे ही हमारी बीवियों को हमारी खुफिया पार्टी के बारे में पता चलेगा वो हमें छोड़ कर चली जाएगी, तो हमारा यह भाव ये जन्म बिगड़ेगा ही ना। हाँ जेठा प्रा, ये तो हम सबके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बोतल से एक बूंद नहीं पी और हम सबको इतनी बड़ी सजा। दादाजी क्या हो गया आपको? अरे अरे जेठिया, अरे खड़ा मत रहे, नाच नाच। मैं जेठिया? अरे नाच। बापूजी अब ठीक है ना? अरे झांको राके साया मार सके ना कोई, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे सब लोग खड़े मत रहो, नाचो नाचो। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर लिया, चलो बोलो नाचो सब लोग नाचो। अरे नया साल आने वाला है, 3015। दादाजी दादाजी क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना? चाचा जी ऑल राइट नहीं, फुल टाइट लग रहे हैं। अरे ए बबलू, ए बबलू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब लोग लाचा लाचा। ये जी जी मजे आ रहे हैं, लाच बबलू। बगीतला बगीतला, चला चला चला। दादाजी अरे जैसे नाच ले दादाजी।
अरे नया साल आने वाला है 2015। के पापा क्या है ये सब? अरे नाचो सब लोग नाचो। चाचा जी देखिए प्लीज आप नीचे आ जाइए, समझिए चाचा जी प्लीज नीचे आ जाइए। हाँ हाँ प्लीज। क्यों ये गाना पसंद नहीं है? अच्छा ठीक है दूसरा गाता हूँ। पीले पीले अमर भीड़े, पीले पीले अमर डिब्बे, पीले पीले। टप्पू के पापा आप तो कह रहे थे कि बापूजी आइसक्रीम लेने गए हैं, तो ये क्या हो गया बापूजी को? और इतनी दुखबू क्यों आ रही है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक मिनट हंस कहाँ है? अरे डॉक्टर आते किधर है? उपरलाल के घर से हम लोग जब चाचा जी के पीछे भागे थे, मेरा मतलब है चाचा जी के साथ निकले थे आइसक्रीम लाने के लिए, तो डॉक्टर हाथी हमारे साथ ही थे ना? मालूम नहीं। अरे लेकिन हाथी भाई हमारे साथ टैक्सी में भी कहाँ थे? नहीं थे। क्या हंस कहाँ है तो फिर? अरे बाप रे, तो हाथी भाई कहाँ रह गए? हाथी खो गया, हाथी खो गया। वो हाथी तेरे बिना भी क्या जीना, वो हाथी आप लोग प्लीज बताइए ना हंस कहाँ है, बोलिए ना कुछ तो, हंस कहाँ है? एक मिनट हाथी भाई कहीं पोपटलाल के घर पे तो नहीं रह गए? याद करो उस वक्त वो नहीं नहीं कुछ नहीं कोमल भाभी, आप टेंशन मत दीजिए मैं देख के आता हूँ, यही नहीं होंगे देखता हूँ। हाथी भाई, अरे हाथी भाई इधर है। अरे अरे हाथी भाई, हाथी भाई पापा, क्या हुआ पापा? कौन? हंस यहाँ क्यों सो रहे? कुछ गोली की वजह से। गोली? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। तो? नहीं मेरा को लगता है कि डॉक्टर आदि दो माला ऊपर चढ़े और दो माला नीचे चढ़े ना, तो उधर से क्या है वो थक गए और यहाँ पर सो गए। हंस उठो ना। अरे पापा हंस, एक मिनट मम्मी मैं उठा दो। पापा पापा भाई बेटा, पानी पानी लेने गया होगा। पापा 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 मंचूरियन, पापा मंचूरियन, पापा ड्राई मंचूरियन। अरे पापा उठ गए, पापा उठो पापा। मैं यहाँ क्यों सोया हूँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ हंस, तुम यहाँ क्यों सोए हो? हाँ मिल गया सबको, हाथी मिल गया सबको, हाथी मिल गया। तारक अब सच सच बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? तारक मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ये सब क्या हो रहा है? अंजलि बाबा ये कोई गाड़ी लगा है, जाऊंगा कैसे? तरीका गाड़ी लगाने हा? ओ
भाई यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूँ। अरेस्ट हो गए? अरे बाप रे। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूँ। हाँ। नहीं, मैं मेरे दादाजी को नहीं ले जाने दूंगा। चलो जी पांडे जी, प्लीज बाबूजी को छोड़ दीजिए। हमारे दादाजी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। देखो बच्चों, हम यहाँ चोर पुलिस खेलने नहीं आए। मैं सचमुच का पुलिस हूँ। ये देखो, मुंबई पुलिस का टैग देखा? पांडे जी, पर चाचा जी क्यों? प्लीज बताइए तो सही, बाबूजी ने क्या किया है? सॉरी टू से, इन्होंने शराब पी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई है और पुलिस को चकमा देकर भागे हैं। आईगो टप्पू के पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस भाई जो कह रहे हैं वो सच है? प्लीज बताइए ये सब क्या हो रहा है? अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाऊंगी। हे भगवान, दया अहमदाबाद चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ तारक, इस बार मैं भी मायके चली जाऊंगी और अब कितना भी मनाएंगे मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। बताइए सच सच। अरे बाप रे, अंजलि चली गई तो मेरी हालत भी पोपटलाल जैसी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। रोशन, मैं भी मम्मी डैडी के घर चली जाऊंगी। ओ तेरी, रोशन डार्लिंग चली गई तो मेरा और गोकी पुत्र का कौन ख्याल रखेगा? ओ वाहेगुरु, मेर कर, बचा ले रब्बा। हंस, मैं भी मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कोमल चली गई तो मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो जाएगी, ये तो गलत बात हो जाएगी। तुम्ही का वक्त है, मैं भी जाने वाली हूँ। अरे देवा, माधवी के लिए तो माजा कसा होना, माधवी के बगैर मैं कैसे रहूंगा? बबीता जी का फोन। अयर भाई, आप अपना फोन चालू करो ना, बबीता जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं अयर भाई के साथ बात करने के लिए। लो बात करो। अबे मैं बबीता को क्या बोलेगा? लाइए, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। नहीं 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 कैसे चल रही पार्टी वहाँ पे? बबीता जी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हुई है? मतलब हुआ यूं, अय्यर को जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ एक मिनट। अय्यर भाई, बबीता जी को आपसे बात करनी है। लीजिए बबीता जी से बात कीजिए। बबीता। अय्यर, दिस इज रिडिक्यूलस। चाचा जी ने शराब कैसे पी ली? सच सच बोलो, वहाँ पे क्या चल रहा है? अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं वापस ही नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें कह देती हूँ। नहीं नहीं बबीता, I am extremely sorry but बस मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है, that's it। बबीता, टप्पू के पापा, आप मुझे सच सच बता रहे हैं कि मैं अभी के अभी अहमदाबाद चली जाऊं? नहीं नहीं दया, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ।
दरअसल हम सब ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। वो तो हमें भी पता है। नहीं नहीं, ये पार्टी नहीं, हमारी खुफिया पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। खुफिया पार्टी? हाँ जी, वो हमने आप सब से छुपाकर शाटी वाली पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। सॉरी रोशन। देखो रोशन, हाँ मतलब प्लान ऐसा था कि एक पार्टी यहाँ सोसाइटी में चलेगी और पोपटलाल के घर पे हमारी खुफिया पार्टी चलेगी। और फिर आप लोगों को पता न चले कि चाचा जी ने पी लिए, इसलिए हम लोगों ने चाचा जी को पोपटलाल के घर में ही छिपाने का प्लान बनाया। और जब चाचा जी भाग रहे थे और चाचा जी को रोकने के लिए हम सब पीछे भाग रहे थे, तो आप लोगों ने रोक लिया हमें और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त कोई बहाना समझ में नहीं आया, तो आइसक्रीम वाला बहाना बना दिया। पुलिस यहाँ इसलिए आई है कि चाचा जी ने शराब पी के गाड़ी भी चलाई और नाकाबंदी भी तोड़ी, पुलिस को चकमा देके भाग गए। वाह! टप्पू के पापा, ये आप लोगों ने क्या किया? अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बापूजी को मुसीबत में डाल दिया। So bad तारक, very bad। आप सब ने हम सबका भरोसा तोड़ा है, और मैं तो कहती हूँ सिर्फ भरोसा नहीं, हम सबका दिल तोड़ा है इस बार, है ना? तो सोसाइटी में इतनी मजेदार पार्टी हो रही थी, तो तुम लोगों को खुफिया पार्टी करने की क्या जरूरत थी? तो एकदम सही कहा रोशन भाभी, देखिए तो क्या सोच हो गई है इन लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए तारक, आप शाटी के बिना पार्टी नहीं कर सकते? नैतिक है, हर 31st को ड्रिंक करना जरूरी है? कि यही हमारी संस्कृति है? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग हंस, आज तुम लोगों की वजह से चाचा जी की यह हालत हुई है। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है आप लोगों ने। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आप सब हमारे आदर्श हो, आप लोग ऐसा करोगे तो हम क्या सीखेंगे? पापा, आज के बाद मैं आपसे कभी भी खाना शेयर नहीं करूंगा। वेरी गुड बेबी। तुसी की कीता पापा, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। देखिए देखिए इन बच्चों को देखिए। सॉरी 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 बच्चों, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए आप लोग हमको जो भी सजा देंगे ना, हमको मंजूर है। आप लोगों को जो सजा देना है इन लोगों को दीजिए, लेकिन मुझे चाचा जी को सजा देनी होगी। अरे सेम, पांडे जी प्लीज 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 प्लीज, पप्पू जी को छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइए, सारी गलती मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, दरअसल ये खुफिया पार्टी की सारी तैयारी मैंने की थी। ओ नहीं नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, ये शाटी वाली पार्टी करने का आइडिया वो तो मेरा था, अब मुझे भी गिरफ्तार कीजिए जी। देखिए पांडे जी, मैंने अपने घर पे खुफिया पार्टी करने की इजाजत दी, इसलिए आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरा भी है, मेरे को भी अरेस्ट कीजिए। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी मैंने इस आइडिया को सपोर्ट किया, इसलिए आप मुझे लेके जाइए मुझे। हाँ ले जाइए इनको तो। पांडे जी मुझे भी ले चलिए, मैंने भी अपनी बीवी और बच्चे का दिल दुखाया है, उनका विश्वास तोड़ा है। ले जाइए इनको, हम सबको ले जाए, बस बापूजी को छोड़ दीजिए। सब आ गए? देखो जिसने गुनाह किया उसे ही सजा मिलेगी। अरे चाचा जी। नहीं नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, टप्पू सेना दादाजी को जेल में नहीं ले जाने देगी। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी कुछ भी कर सकते, लेकिन शराब को तो छू भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। एकदम सही कहा तूने टप्पू बेटा।
पढ़ ले बेटा, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ मेरे दोस्त मेरे पोते टप्पू ने मुझे पहचान लिया। दादाजी मैं तो डर ही गया। तुम सब लोग यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या है? हाँ। तो सुनो, तुम लोगों की साल्टी वाली पार्टी के बारे में रोशन बेटी को पता चल गया था। रोशन तेनू? रोशन तेनू कैसे पता चल गया? जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ खुफिया पार्टी की बात कर रहे थे ना, वो सब बातें मैंने सुन ली थी। हम सारे दोस्त मिलके तो अपनी खुफिया शाटी वाली पार्टी करने वाले। माय रोशन डार्लिंग को कैसे पता चलेगा भाई? और वैसे भी माय डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी और हम सारे यार पप्पू के घर में अपनी खास शाटी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे। मैंने नहीं पता। ये उत्साह ही देखा, इतनी जोर से बात करता है तू फोन पे। रोशन तो अंदर थी यार। और फिर ये बात रोशन बेटी ने महिला मंडल को बताई और फिर मुझे बताई। अच्छा, तो ये बात है। उन सबको साल्टी वाली पार्टी करनी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खुद कान पकड़ कर कहेंगे कि आज के बाद साल्टी वाली पार्टी कभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अभी नहीं कर रहा था, मैंने पी नहीं। वाह चाचा जी, वो बोतल में जो शराब पड़ी थी वो कितने गई? वो मैंने बाथरूम में बाहर दी थी। चाचा जी, वो पूरे 5,000 की बोतल ले आई थी। वो सोच उठा हो कि ते पेट में नहीं गयो। करेक्ट। आप अगर शेर हो ना तो चाचा जी सवा शेर है। हम लोगों को ये प्लानिंग पहले से ही पता था और तुम लोगों को जितना टेंशन हो रहा था ना, हम लोगों को उतना ही मजा आ रहा था। कोमल, आप सब यहाँ इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे ना, तब आप सब की बीवियाँ निश्चिंत होके यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रही थी। समझे? और यहाँ बैठकर बार बार आपको परेशान करने के लिए हम फोन पर फोन कर रहे थे और बबीता जी को भी हमने कहा था फोन करने के लिए। बीच में लाइट चली गई थी, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक ही थी। लो बेड़े। देखो वाह माधवी, वाह वाह चाचा जी। तो चलो जी पांडे जी, अभी आप बापू जी को छोड़ देंगे क्या? गिरफ्तार करेंगे? अरे जब इन्होंने शराब पी ही नहीं है तो इनको क्यों पकड़ेंगे? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपकी, आप मिलाइए, बिना शराब पिए आपने क्या एक्टिंग की कि हम भी चकमा खा गए? माफ करना पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अरे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था, मैं तो खाली इन सब लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये गोकुलधाम सोसाइटी है गजब की चीज। पुलिस आप लोगों को सबक सिखाए, इसके पहले आप लोग आपस में अंदर एक दूसरे को सबक सिखा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ चाचा जी, इस देश का हर बुजुर्ग आपके जैसा होना चाहिए। इन लोगों को तो आपने सबक सिखा दिया है, लेकिन इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना बाकी। चलता हूं। चलो जी पांडे जी, थैंक यू, अपने बापू जी को माफ कर दिया, थैंक यू। बहुत नसीब वाले हो जेठालाल कि तुम्हें चाचा जी जैसे पिताजी मिले हैं। सैल्यूट यू चाचा जी। एनीहाउ गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर, 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 हाँ, अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अरे थैंक थैंक, चलो एंजॉय. Don't drink and drive. सर मैं पानी पी रहा था. I'm sorry. Come on, move, move, move. एक बात कहूँ चाचा जी, जो कुछ भी हुआ लेकिन हुआ बहुत अच्छे के लिए. हाँ, आज हम लोग अपने घरवालों की नजरों में गिरते गिरते बचे हैं. सही बात है. लेकिन हर बार ऐसी माफी नहीं मिलेगी. अगली बार अगर पार्टी शार्टी की बात की ना तो हम लोग सच में मायके चले जाएंगे. नहीं नहीं नहीं. दया ऐसा चैलेंज मत दे, कच्ची मारू हूँ, कर लूंगा सारे काम अकेले. क्या मजाक मजाक कर रहा हूँ बापू जी. हम थोड़े कर सकते हैं घर के सारे काम. अरे तुम सब तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बगैर घर थोड़ी चल सकते है. सही बात है. लेकिन मेरी तो लक्ष्मी आते आते रह गई ना. चाचा जी आप ही रिश्ता लाए थे और आप ही ने तोड़ दिया. जब आपने सच में पी ही नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया? एलिबे, वो फोन शादी के लिए नहीं आया था. मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तेरी शादी के लिए फोन आने वाला है. लेकिन चाचा जी, आपके इस एक्टिंग में मेरा नुकसान तो हुआ है ना. आपने मेरा चेक फाड़ दिया. अगबे हो? हाँ वो उस वक्त थोड़ा ज्यादा अभिनय हो गया था. लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी पार्टी अगर तुझे दूसरा चेक नहीं देगी तो वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा. नहीं नहीं हरकत नहीं, ध्यान अंतर दिया. ध्यान करना? अरे बाद में देना. लेकिन तुम सब लोग जरा समझो, नशा करने से पैसों का नुकसान होता है. नशा करने से जान का जोखिम हो सकता है. ये समझाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल के पाइप से नीचे उतरा. नशा करने से रिश्ते टूट सकते हैं. ये समझाने के लिए मैंने पोपट का रिश्ता तोड़ने का नाटक किया. नशा दिमाग पर हावी हो जाता है. ये समझाने के लिए मैं सोनी की जीप लेकर भाग गया. अरे आज जो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है वो कल तुम लोगों के साथ हो भी सकती. अरे जरा सोचो, तुम में से कोई शराब पीकर पागल हो जाता तो क्या होता? तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो सकता था, किसी का तलाक हो सकता था, पैसों का जान का जोखिम हो सकता था. हमें हमेशा यही लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में शराब हमें पीती है. मैं मानता हूं कि जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जिससे परिवार का नुकसान हो, शरीर का नुकसान हो, ऐसी मौज मस्ती का क्या फायदा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शराब पीने वाला पति या पिता किसी को अच्छा नहीं लगता. एकदम करेक्ट है. और आप सबको भी समझना चाहिए कि नए साल का स्वागत करने के लिए पीने वीने की जरूरत नहीं है. होश में रह के भी अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है ना? बराबर छे. परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है. सही बात है. हमेशा परिवार के साथ रहो और खुश रहो. वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है आपने. पार्टी का असली मजा तो सबके साथ ही आता है. फ्रेंड्स, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी.